वहीं नर्मदा नदी में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बीती रात निर्देश दिए थे। सीएम मोहन यादव के निर्देश के बाद भी नर्मदा नदी में अवैध खनन तेजी से चल रहा है। वहीं बुधनी एसडीएम राधेश्याम बघेल ने पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही कर सोमलवाड़ा से 2 पोकलैंड मशीन, आधा दर्जन अवैध रेत परिवहन करते डंपर जब्त कर कार्यवाही की। साथ ही भेरुंदा एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने अंबा वडगांव दीमावार नर्मदा नदी से अवैध रेत खनन करते 4 पोकलैंड मशीन और 2 डंपर जब्त कर भेरुंदा थाने में खड़े किए हैं। राज्य शासन द्वारा 28/5/2024 से 15/6/2024 तक अवैध उत्खनन के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तारतम्य में कलेक्टर महोदय द्वारा तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। कल इस तारतम्य में 2 दल गठित किए गए, एक रैटी थाने रैटी तहसील में और एक बुधनी तहसील में। दोनों दलों के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें बुधनी में जो दल गठित किया गया था उसके द्वारा सोमलवाड़ा में 2 पोकलैंड मशीन अवैध उत्खनन करते हुए नर्मदा नदी से जब्त की गई, साथ ही एक डंपर जब्त किया गया। और रहटी तहसील के अंतर्गत बाबरी घाट से एक ओवरलोड डंपर जाता पाया गया, जिसमें राइटी भी नहीं पाई गई, जिसको जब्त कर रहटी थाने में खड़ा कराया गया।